हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हिमांश में। आज हम बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको बिहार के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो यह आपको पता होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। नेक्स्ट है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी पटना में पड़ता है। क्या है? पटना। नेक्स्ट है कि बिहार की राजकीय भाषा यानी बिहार की जो भाषा है राजकीय, वो कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू है। कौन सी है? हिंदी और उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प? तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। क्या है? गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया, जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। नेक्स्ट है, बिहार के जिले, तो बिहार में 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले। बिहार का अनुमंडल, तो बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। कितने हैं? 101। प्रमंडल कितने हैं? 9। और जिले हैं 38। कितने जिले हैं? 38। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या तो कितनी है? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगी? ऑफिशियली सी बात है कि पटना, यानी उसकी राजधानी में। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी पटना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। कौन सा है? मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा बिहार में जो साक्षरता वाला जिला है वो रोहतास है। कौन सा है? रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, अब बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है बिहार में? तो ये होती है किशनगंज में। कहाँ होती है? किशनगंज के अंदर। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे ज़्यादा तो किशनगंज, और सबसे कम कहाँ होती है? औरंगाबाद। सबसे कम कहाँ पे होती है? औरंगाबाद के अंदर। नेक्स्ट देखिए कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो वो है गया। कौन सा है? गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर, तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा होगा? पटना होगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ, अब ये देखिए कि बिहार शब्द यानी बिहार कैसे पड़ा उसका नाम, तो ये बोध मठ की वजह से पड़ा था।
क्योंकि वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा बौद्ध मठ हुआ करते थे, इसकी वजह से उसका नाम बोध मठ पड़ गया। बोध मठ की वजह से ही उसका नाम क्या पड़ा था, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था तो कब हुआ था, ये हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन, 15 अप्रैल 1930 को। इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी, तो ये की गई थी, ये की गई थी 1906 में। कब की गई थी, 1906 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन किया गया था, तो ये किया गया था 1580 ईस्वी में। कब किया गया था, 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य हैं बिहार में, तो ये हैं 243। कितने हैं, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाएंगे जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं 40 सदस्य से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी, 1916 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये है 16। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम में बिहार से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।